फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल लर्न इंग्लिश में स्वागत है, जिसमें आपको इंग्लिश के 10 वर्ड्स को लर्न करने का इजी ट्रिक मिलेगा जो एसएससी और बैंक पीओ के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए लेते हैं आज का पहला वर्ड, सब्टरफ्यूज। सब्टरफ्यूज को बोल सकते हैं डिसेप्शन, इसे हिंदी में बोलेंगे चाल या धोखा देना। इसे याद करने का ट्रिक है, सब तार को फ्यूज करके उसने मुझे धोखा दिया। दूसरा वर्ड, पिलाइट। पिलाइट को इंग्लिश में बोल सकते हैं डिफिकल्टी, इसे हिंदी में बोलेंगे मुश्किल। इसे याद करने का ट्रिक है, कमरे में लाइट चले जाने के बाद क्या होने लगती है, मुश्किल। तीसरा वर्ड, कॉन्जेंटिल। कॉन्जेंटिल को इंग्लिश में बोलेंगे इनमेट, हिंदी में बोलेंगे जन्म से। इसे याद करने का ट्रिक है, जन्म से कौन होता है, जेंटिल। चौथा शब्द, सैक्रोसेंट। सैक्रोसेंट को इंग्लिश में बोलेंगे सेक्रेट, हिंदी में बोल सकते हैं पवित्र। इसे याद करने का ट्रिक है, सैकड़ों संत होते हैं पवित्र। लेते हैं पांचवा वर्ड, मंडेन। मंडेन को इंग्लिश में बोलेंगे ऑर्डिनरी, हिंदी में बोलेंगे साधारण। इसे याद करने का ट्रिक है, मंडे के दिन जो सबका काम करने का मूड होता है वो साधारण सा होता है। लेते हैं छठा वर्ड, क्रिंज। क्रिंज को इंग्लिश में बोलेंगे फियर, हिंदी में बोलेंगे डर से दुबक जाना। इसे याद करने का ट्रिक है, किरण को प्रपोज करने के बाद वो डर सी गई। सातवां वर्ड, फ्री। फ्री को इंग्लिश में बोलेंगे हुहा, हिंदी में बोल सकते हैं दंगा या कला। इसे याद करने का ट्रिक है, उसे फ्री में कुछ ना मिला तो उसने कला स्टार्ट कर दिया। आठवां वर्ड, इनकम्पास। इनकम्पास को इंग्लिश में बोल सकते हैं सनराउट, इसे हिंदी में बोलेंगे घेरना। बस का पास ना होने के बाद उसने मुझे घेर लिया। लेते हैं नवा वर्ड, परसिक्यूटी। इंग्लिश में बोल सकते हैं क्लियरिटी, हिंदी में बोलेंगे साफ साफ। इसे याद करने का तरीका है, पर्स के साथ उसकी क्यूटी साफ साफ दिखाई देती है। दसवां वर्ड, एमेंट्स। एमेंट्स को इंग्लिश में बोलेंगे कंपनसेशन और हिंदी में बोलेंगे हर्जाना देना। इसे याद करने का तरीका है, एमेंट्स और गारमेंट्स सिमिलर वर्ड्स हैं, तो इसे याद कर सकते हैं, गारमेंट्स के जल जाने पर उसे हर्जाना देना होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।